नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी व्याकरण का आज ये 13वां लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में। तो किस प्रकार आपको हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है, इसके बारे में आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो सदैव या तो स्त्रीलिंग ही रहते हैं या सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, तो इनकी भी पहचान करेंगे और अक्सर इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। डिटेल्स में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक के नोट्स और एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब देखो, लिंग होता क्या है? तो लिंग क्या होता है, शब्द का वो रूप होता है जिससे हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध होता है, तो उसे कहते हैं लिंग। यानी जिन शब्दों से हम ये पहचान सकते हैं कि मान जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो अगर हम उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उस शब्द से हमें ये जानकारी मिल रही है कि वो व्यक्ति पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुरुष है या स्त्री है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, जो कि इस चीज का बोध करा रहा है। मतलब ये बोध करा रहे हैं वहां पे कि वो व्यक्ति पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुरुष है या स्त्री है। तो शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। हिंदी व्याकरण में दोस्तों लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। तो ये तो लिंग के प्रकार थे। अगर हिंदी में प्रश्न बनता है कि हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने प्रकार हैं, तो वो है दो प्रकार। अब ये तो सिंपल था अभी तक। बात आती है कि लिंग को आपको पहचानना कैसे है। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं इस टॉपिक से वो इस प्रकार के बनते हैं। कोई भी शब्द दे दिया, जैसे दे दिया बताइए दही में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी प्रकार पानी में कौन सा लिंग है, या कोई भी धातु दे दी लोहे में कौन सा लिंग है, चांदी में कौन सा लिंग है। तो कोई भी शब्द आ सकते हैं और उसमें भी आपको क्या पहचानना है, उसकी लिंग की पहचान करनी है कि उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा विश्वसनीय मेथड में यहां पे जो ये ट्रिक है, ये आपको वाक्य प्रयोग के आधार पर आपको पहचानना है लिंग को। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, अगर आप वाक्य प्रयोग करते हो, जो शब्द दिया गया है, जिस शब्द का लिंग आपको पहचानना है, उस शब्द से संबंधित एक वाक्य बना दो और फिर उसे आप पहचान कर पाओगे कि उस शब्द में कौन सा लिंग है। तो सबसे विश्वसनीय तरीका यही है लिंग पहचानने का। उदाहरण देखो यहाँ पे, तुम जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं कि इसमें आपको पहचानना कौन सा है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ जो इधर है ना, जो ये कोष्टक में, क्योंकि यहाँ पे तो लिखे गए हैं, ये तो आपको ताकि सरलता हो इसलिए लिखे गए यहाँ पे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये वाक्य देखना है। तो उदाहरण जो पहला उदाहरण है यहाँ पे ये वाला, ये क्या है, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। तो इसमें आपको पहचानना है कि जो भारत है, ये जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित शब्द है, भारत में कौन सा लिंग है। तो देखो वाक्य क्या बन रहा है पूरा, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। तो बनेगा, बनेगा किसके लिए प्रयोग होता है, पुरुष जाति के लिए। अगर यहाँ पे होती बनेगी, तब भारत में क्या होना था, स्त्रीलिंग होना था, लेकिन यहाँ पे बनेगा, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। तो सीधे सा मतलब क्या है, वाक्य प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा आ रहा है भारत के, तो भारत यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। यहाँ पे देखो श्याम, तो श्याम नाम तो किसका होता है, लड़कों का होता है या पुरुषों का होता है, तो श्याम तो क्या है, पुरुष है। अब देखो श्याम की पुस्तक, लेकिन यहाँ पे आपको पुस्तक पहचानना है, ठीक है, पुस्तक किसकी, तो श्याम की पुस्तक। देखो पुस्तक यहाँ पे की आ रखा है, अगर आता है श्याम का पुस्तक, श्याम का पुस्तक आता तब तो पुस्तक ने क्या होना था, पुल्लिंग होना था, लेकिन ये अशुद्ध वाक्य है, श्याम का पुस्तक नहीं होता, बल्कि हम क्या प्रयोग करते हैं, श्याम की पुस्तक, राम की पुस्तक। हाँ अगर मेज के लिए आता तो मेज के हम क्या प्रयोग करते हैं, श्याम का मेज। यहाँ पे हम ये प्रयोग नहीं करते हैं कि श्याम की मेज, नहीं, श्याम का मेज। तो मेज यहाँ पे क्या है, ये तो सही है और ये गलत है, मेज यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे श्याम का पुस्तक नहीं होगा बल्कि श्याम की पुस्तक होगा। इसका मतलब पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखो, ये हो गया राम का कमरा, कमरा किसका है, राम का।
तो देखो का, तो राम का कमरा यानी कमरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे राम की कमरी नहीं है, या राम की कमरा नहीं लिखा हुआ है, राम का कमरा लिखा हुआ है, तो कमरा यहाँ पे पुल्लिंग है। घोड़ा दौड़ रहा है, अगर ये स्त्रीलिंग होता घोड़ा, तब यहाँ पे क्या होना था, घोड़ा दौड़ रही है। अगर घोड़ा स्त्रीलिंग होता तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, घोड़ी दौड़ रही है, क्योंकि घोड़ी स्वयं में क्या है, स्त्रीलिंग है, घोड़ी दौड़ रही है, तो घोड़ी दौड़ रही है ये सही वाक्य है और ये स्त्रीलिंग है, लेकिन घोड़ा दौड़ रही है ये गलत हो जाएगा। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, घोड़ा दौड़ रहा है, और रहा है मतलब वो क्या है, पुरुष है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे घोड़ा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल देखो, छिपकली दौड़ रही है, तो यहाँ पे रही है, और रही है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री जाति के लिए, यानी छिपकली के लिए रही है प्रयोग किया जा रहा है, तो छिपकली दौड़ रही है यानी छिपकली इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, किसी भी शब्द को, शब्द का लिंग बताने के लिए उसमें वाक्य प्रयोग कीजिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको जब एग्जाम्पल बोला कि दही में कौन सा लिंग है, माने सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि दही कौन सा लिंग है, तो दही में जितने भी दोस्तों वाक्य प्रयोग हो सकते हैं, जैसे दही पीना चाहिए, ठीक है, वैसे जितने ये लिक्विड होते हैं ना, ये मोस्टली जैसे घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, ये आपके आते हैं द्रव्य के अंतर्गत, और ये मोस्टली क्या हो जाते हैं, पुलिंग हो जाते हैं, तो दही पीना चाहिए। कई वैसे ये प्रयोग भी कर सकते हैं कि दही पीनी चाहिए, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, दही पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दही हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, इसलिए मैं इनको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि कई अभ्यर्थी वाक्य में इस प्रकार भी इसको प्रयोग कर देते हैं, दही पीनी चाहिए, कई अभ्यर्थी इस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं और इस प्रकार प्रयोग के आधार पर बता देते हैं कि दही क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन दही क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दही हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप इनके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से याद होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है वाक्य प्रयोग के आधार पर आपको लिंग की पहचान किस प्रकार से करनी है। तो ये तो एक तरीका था, अब कुछ अन्य तरीकों की भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये अन्य तरीके उतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे अपवाद भी हैं, फिर भी इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम अभी हम सिर्फ यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों की बात करते हैं, तो जितने भी अकारांत एवं आकारांत शब्द होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो इसीलिए मैं इन नियमों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मेरे को जब भी अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद करना होता है, तो मैं जरूर इस फर्स्ट वाले जो ये मेथड है, यहाँ पे जो ट्रिक है, इस पर जाता हूँ वाक्य प्रयोग के आधार पर, और इस पर मेरे को बड़ी आसानी होती है, मैं भी इसी के आधार पर पहचानने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो अकारांत होकर भी स्त्रीलिंग होते हैं और आकारांत होकर भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है अकारांत एवं आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो, अकारांत का मतलब क्या होता है, जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में छोटा आ होगा, और आकारांत का मतलब होगा जिसके अंत में बड़ा आ होगा। तो ये शब्द, इसका कहने का मतलब है कि ये प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, सभी में ऐसा नहीं होता है, सभी शब्दों में ये नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण देखोगे, क्रोध, क्रोध में छोटा आ है अंत में, तो ये पुल्लिंग है। मोर में छोटा आ है अंत में, तो ये भी पुल्लिंग है। मोहन, भवन, सूर्या, तो ये अकारांत है। और आकारांत शब्द जिनके अंत में बड़ा आ है, जैसे घोड़ा, लड़का, दरवाजा, पंखा, ये सभी के सभी क्या है, ये भी पुल्लिंग है। अब देखो, इसमें अपवाद जैसे बता रहा हूं, अब मैंने यहां पर लिख दिया सीता, तो सीता तो क्या है, स्त्री का नाम होता है, यानी स्त्रीलिंग है। अब सीता, ता के अंत में क्या है, आकारांत शब्द है, मतलब आ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये पुल्लिंग है इसके अनुसार, नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नियमों में, जैसे ये जो एग्जाम्पल थे, इसमें ये लागू हो रहा है, लेकिन इसमें ये लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आता है, तो आपको पहले जो फर्स्ट वाला मेथड है उसका प्रयोग आपको करना है।
दूसरा है भाववाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत में त्वा या और वा होता है प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व हो गया, शौर्य, गौरव, तो इनके अंत में अगर त्वा या और वा है, मतलब जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा मैंने आपको पढ़ा रखी है कंप्लीटली, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर क्या आता है अंत में त्वा या और वा का प्रयोग होता है तो वो भी पुल्लिंग माने जाते हैं। और तीसरा है जिन शब्दों के अंत में आव, आवा, पा, पन, खाना ये शब्द जुड़े हों उन्हें भी पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घुमाओ, इसमें आव जुड़ा हुआ है तो घुमाओ भी पुल्लिंग है, भुलावा, बुढ़ापा, बचपन और पागल खाना, जेल खाना, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है जिसके अंत में आव, आवा, पा, पन और खाना जुड़ा हुआ है। तो ये तो पुल्लिंग की पहचान थी। अब स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। स्त्रीलिंग के लिए भी कुछ विशेष नियम है। तो स्त्रीलिंग में क्या है, आकारांत, इकरांत और इकरांत। अधिकांशतः जो इकरांत और इकरांत शब्द होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अकरांत मैंने आपको बता दिया जिसके अंत में बड़ा आ होगा, इकरांत में अंत में छोटी ई और इकरांत में अंत में बड़ी ई लगी होगी। तो जैसे अकरांत का एग्जाम्पल है सीता, कृष्णा, ये स्त्रीलिंग है और इनके अंत में बड़ा आ लगा हुआ है। रीति, तिथि, हानि, ये क्या है, इकरांत है। इकरांत शब्द अंत में इनके छोटी ई लगी हुई है तो ये स्त्रीलिंग है। और इकरांत है रावी, नदी, गोदावरी, टोपी, ये क्या है, इकरांत शब्द है यानी अंत में बड़ी ई लगी है तो ये शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। साथ ही साथ अगर शब्द के अंत में आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, ये कुछ शब्द अगर जुड़े हुए हैं तो वो शब्द भी प्राय क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे मिठाई में अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पे अगर आप वा के प्रयोग करोगे तो क्या प्रयोग करोगे, मिठाई खानी चाहिए, इसी प्रकार से तो इसमें वाक्य बनता है कि मिठाई खाना चाहिए, मिठाई खाना चाहिए, आपने नहीं सुना होगा बल्कि क्या सुना है, मिठाई खानी चाहिए, तो खानी स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है। तो मतलब आपको प्रयास ये करना है कि आप फर्स्ट वाला मेथड अपनाओ, वाक्य आपको प्रयोग करना है, उसके आधार पर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा लिंग और मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दूसरा डिबिया हो गया, लिखावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। देखो महिमा तो खैर नाम भी है स्त्रियों का, तो महिमा तो वैसे ही हो जाएगा। सुंदरता, घबराहट, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रहा है, ऐसा नहीं सुना, घबराहट हो रही है, यह शुद्ध है। लिखावट, उसकी लिखावट क्या है, देखो लिखावट लिखनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के कुछ यहाँ पे क्या थी, मतलब कुछ मेथड थे जिससे आप स्त्रीलिंग पहचान सकते हो। अब कुछ विशेष पुल्लिंग शब्दों की बात कर लेते हैं जो केवल पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सभी पर्वतों के नाम। अधिकांशतः बिरले ही पर्वत ऐसे होंगे जिनका नाम स्त्रीलिंग से आता है, सारे के सारे पर्वत, हिमालय देखो, एवरेस्ट देख लो, हाँ कुछ विशेष नाम हो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा, अब देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको पूरे वाक्य को पढ़ना होगा। अगर मैंने कह दिया नंदा देवी, वैसे नंदा देवी एक पर्वत का नाम है लेकिन नंदा देवी स्त्री का नाम भी होता है, तो नंदा देवी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा वाक्य क्या है, नंदा देवी पर्वत खड़ा है, तभी यहाँ पे ये पुल्लिंग है। तो इसलिए आपको पूरा वाक्य ध्यान देना होगा कि उस वाक्य में किस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अधिकांश पर्वत क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। अगर हम बात करें आगे तो देखो यहां पे सभी देशों और शहरों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देशों के नाम जैसे क्या हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, शहरों के नाम मुंबई, दिल्ली, देहरादून, तो प्रायः सभी शहरों और देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वाक्य प्रयोग के आधार पर भी आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। कई शहर ऐसे होते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्त्रियों के नाम पर होता है, अगर आप वहां पे वाक्य प्रयोग करोगे तो आपका वो मतलब क्लियरली पहचान में आ जाएगा। उसके बाद सभी धातु प्राय पुल्लिंग होते हैं, यहाँ पे अपवाद क्या है, वो है चांदी। चांदी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवाद हो जाएगा, क्योंकि चांदी क्या होता है, ये आपका स्त्रीलिंग। बाकी सभी जो धातु होते हैं, सोना हो गया, लोहा हो गया, सीसा, पीतल,
ये सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। चौथा है, सभी दिनों के नाम और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें महीने, कौन कौन से महीने? जनवरी, जनवरी आ रही है, उसके बाद मई आ रही है, और उसके बाद जुलाई आ रही है। तो जनवरी, मई और जुलाई ये तीनों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी फरवरी हो गया, मार्च आ रहा है, मार्च अप्रैल आ रहा है, मई आ रही है, जून आ रहा है, जुलाई आ रही है, अगस्त आ रहा है, सितंबर आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है, सब में मतलब अन्य महीनों में आ रहा है का प्रयोग हो रहा है, और जनवरी मई जुलाई में आ रही है का प्रयोग हो रहा है। यानी जनवरी मई और जुलाई क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी महीने क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सभी दिन हो गए, जैसे क्या हो गए, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। तो दिन भी क्या होते हैं? लगभग सभी के सभी ये दिन पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद सभी ग्रहों के नाम, तो जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि, लेकिन यहां पे भी एक ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अब देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी में कौन सा लिंग है, और अगर आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, तब आप इसको पुल्लिंग करोगे। लेकिन इसका भी एक तरीका है ढूंढने का, वाक्य प्रयोग अगर आप करते हो, जैसे पृथ्वी घूम रही है। कभी आपने सुना है कि वहां पे लिखा होगा कि पृथ्वी घूम रहा है? नहीं, पृथ्वी घूम रही है। और रही है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो पृथ्वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको वाक्य प्रयोग के आधार पर लिंगों की पहचान करनी है। कुछ विशेष स्त्रीलिंग शब्दों की अगर हम बात करें, तो जैसे सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं दोस्तों जिनके नाम पुल्लिंग हैं, लेकिन अधिकांश, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, भागीरथी, सरस्वती, इनका नाम क्या है? वो है स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, सभी भाषाओं और लिपियों के नाम। तो भाषाओं और लिपियों के नाम भी क्या होते हैं? सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये स्त्रीलिंग है। और अगर हम लिपि की बात करें तो देवनागरी हो गई, जो भी अन्य लिपियां हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ये सारी की सारी लिपियां और भाषाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। और सभी पुस्तकों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रामायण, रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखा ऐसा नहीं आता, रामायण किसने लिखी? रामायण पुस्तक पढ़नी चाहिए, ना कि ऐसा आता है कि रामायण पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये गलत है। रामायण पुस्तक पढ़नी चाहिए, रामायण। जब आपके यहाँ रामायण का पाठ होता होगा तो आप क्या बोलते हो? रामायण पढ़नी चाहिए। तो पढ़नी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो रामायण यहाँ पे जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है। तो अन्य पुस्तकें भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग ही होती हैं। तो ये कुछ विशेष स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द थे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक अन्य पॉइंट नोट करना होगा कि हिंदी में जो एक तो पदवी और उपाधि सूचक जो नाम है, जिससे किसी के पद का या किसी उपाधि का पता चलता है, किसी के पद और उपाधि की जानकारी मिलती है, तो ये जो नाम होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। यानी इसमें, इनमें कोई भी लिंग नहीं होता है। अगर मतलब ये वाक्य के आधार पर आपको देखना है, वाक्य में जिस प्रकार से इनका प्रयोग किया गया है, उनका लिंग उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया आपका राष्ट्रपति हो गया, या सभापति हो गया, या कुलपति हो गया, सचिव हो गया। तो कुलमा के जिससे हमें पदवी का पता चल रहा है और उपाधि का पता चल रहा है, इस प्रकार के शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अगर हम उदाहरण की बात करें, प्रधानमंत्री उस समारोह का उद्घाटन करेंगे। देखो, अगर प्रधानमंत्री कोई पुरुष है, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो करेंगे यहां पे आ रहा है, यानी अभी क्या है वो, अभी प्रधानमंत्री जो शब्द है ये पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, तब क्या आता? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समारोह का उद्घाटन करेंगी, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाता।
तो यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री का प्रयोग जिस व्यक्ति के लिए किया गया है, अगर वो व्यक्ति पुल्लिंग है तो प्रधानमंत्री भी पुल्लिंग होगा, और वो व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो प्रधानमंत्री भी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार राष्ट्रपति आज विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, अगर पुरुष हैं और जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये पदवी और उपाधि सूचक जो क्या होंगे, नाम होंगे, ये सदैव क्या होंगे, उभयलिंगी होंगे। बाकी दोस्तों बहुत सारे, अगर आप प्रैक्टिस आपको करनी है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ समझाना था, लेकिन बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द जैसे दही हो गया, घी, पानी, खेल, बाग, हार, ये सारे के सारे जो इसका डिटेल्स वाला पीडीएफ है उसमें आपको बहुत सारे पुल्लिंग और बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द मिल जाएंगे। इसका डिटेल्स वाला पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे लिंक दिया गया है, तो उस पे आपको क्लिक करके ये कंप्लीट जो नोट्स हैं उसी में इसका आपको नोट्स मिल जाएगा लिंक का भी, तो वो पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड करनी है, और उससे आपको वो तमाम जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग ऐसे 30-40 शब्द पुल्लिंग होंगे और 30-40 शब्द स्त्रीलिंग, यहाँ पे लिखने में उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वहां से दोस्तों आप उनको लिख सकते हैं।